जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? आप लोगों के राजस्थान के पटवारी का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो चुका है, आरएस का एग्जाम हो चुका है, अभी आप लोगों के एग्जाम बचे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद में ग्राम सेवक और वनपाल, और इसके अलावा भी बहुत सारे आरएसएम एसएसबी ने बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं अभी आप लोगों के लिए। उसके अंदर पीटीआई ग्रेड फर्स्ट, पीटीआई ग्रेड सेकंड, पीटीआई ग्रेड थर्ड और लाइब्रेरियन टेक्नीशियन, इनके भी विज्ञप्तियां या इनके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार साइट के ऊपर जाके सरकारी रिजल्ट या फ्री जॉब अलर्ट या जितने भी जो हमारे बोर्ड हैं इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और जो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो एग्जाम आप फिलअप करना चाहते हैं या फिलअप कर सकते हैं उसको आप फिलअप करिए और अपना तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। तो चलिए, हमारी राजस्थान की कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हम मेले लेके चल रहे थे, तो आज हमारे नेक्स्ट जो डे है इसके अंदर जो मेले हैं वो है हमारा आज करणी माता, दूसरा शीतला माता और तीसरा केला देवी। तो ये तीनों ही मेले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मेलों के साथ का साथ आप लोगों को मंदिर कहाँ पे है, इस मंदिर और मेले और देवियाँ ये भी आप लोगों के साथ ही साथ कंप्लीट हो रही है, तो इसके अंदर आपका तीन टॉपिक क्लियर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक आपका राजस्थान की लोक देवियाँ वो भी इसके अंदर कंप्लीट हो रही है, उसके बाद के अंदर मेले वो भी इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है और ये मेले कौन कब भरते हैं ये भी साथ का साथ आप लोगों को मैं इस टॉपिक या इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो हमारा सबसे पहला मेला है करणी माता मेला। तो सबसे पहले हम जानते हैं करणी माता का मंदिर कहाँ पे है। करणी माता का मंदिर बीकानेर जिले के अंदर देशनोक तहसील के नोखा तहसील के अंदर देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाए करणी माता का मेला कहाँ भरता है। तो करणी माता का मेला नोखा तहसील के देशनोक के अंदर भरता है और ये पड़ता है हमारे बीकानेर जिले के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये राठौड़ राजपूतों की कुल देवी है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए करणी माता कौन से राजपूतों की या किस वंश की कुल देवी है, तो ये राठौड़ राजपूत है उनकी कुल देवी है। और आप लोगों को पता होगा करणी माता ने ही जोधपुर का जो दुर्ग है उसकी नींव रखी थी करणी माता के द्वारा। तो ये भी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हम हिस्ट्री के पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर। इसको सबसे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, चूहों के मंदिर के नाम से किस मंदिर को या किस मेले को जाना जाता है, तो ये करणी माता का मंदिर, करणी माता का मेला देशनोक, यहाँ पे बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं और यहाँ पे सफेद चूहे भी देखे जाते हैं। अगर सफेद चूहा देखा जाता है तो इनको माँ करणी माता का भक्तों के प्रति दर्शन, इस भावना से इन चूहों को दर्शन दिया, इस तरह से हम इनको अपने जीवन के अंदर लेते हैं या अपनी भक्ति के अंदर इनको स्थान देते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ये मेला कब भरता है करणी माता का मेला। तो करणी माता का मेला आप देख पा रहे होंगे चैत्र वे आश्विन, हमारे भारत के अंदर कितने नवरात्र आता है, अब दो बार नवरात्र आते हैं चैत्र महीने के अंदर और आश्विन महीने के अंदर। आश्विन महीने से आप समझ पा रहे होंगे हमारे देश की भाषा के अंदर आशोज का महीना बोला जाता है। तो दो महीने के अंदर नवरात्र के मेले लगते हैं, तो उन मेलों के अंदर नवरात्र के अंदर ही चैत्र और आश्विन महीना है, इन नवरात्रों के अंदर माँ करणी का मेला लगता है साल के अंदर दो बार। तो ये हो गया हमारा करणी माता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, या पूछा जाए आपको तो ये मेला कहाँ भरता है, करणी माता का मंदिर कहाँ है, चूहों की देवी या चूहों का मेला या चूहों का मंदिर कौन सा विख्यात है, करणी माता देशनोक ये कौन से राजपूत राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है, करणी माता। नेक्स्ट ये मेला कब भरता है, चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रा, इन नवरात्रों के अंदर साल में दो बार करणी माता का मेला भरा जाता है और यहाँ पे बहुत ही संख्या के अंदर श्रद्धालु या भक्त लोग यहाँ करणी माता के आते हैं और इनकी औरण की जो परिक्रमा है उसको पूरी करके अपनी मनोकामना मांगते हैं माँ से, और माँ आशीर्वाद स्वरूप हर भक्त की
मनोकामना पूर्ण करती है। नेक्स्ट हमारा है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, आप लोग शीतला माता का नाम आते ही आप समझ पा रहे होंगे, नवरात्रा के बाद के अंदर शीतला अष्टमी आती है और शीतला अष्टमी के ऊपर गर्म पकवान या गर्म भोजन नहीं करके ठंडा भोजन किया जाता है। तो शीतला माता का जो मेला या शीतला माता की जो मान्यता है, हमारे चेचक रोग की निवारक देवी के रूप में या मातृ रक्षिका देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए हम माँ शीतला मेले के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जयपुर का चाकसू तहसील, जयपुर की कौन सी तहसील, चाकसू तहसील, जयपुर की चाकसू तहसील की सील की डोंगरी गांव में ये शीतला माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पे है, जयपुर के चाकसू तहसील की सील की डोंगरी गांव में, और यहाँ पे चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को मेला, शीतला माता का भव्य मेला का आयोजन होता है और इसको लक्की मेला कहा जाता है। लक्की मेला आपने पहले भी सुना होगा, मैंने मेरी पीछे की जो वीडियो है या पीछे की जो क्लास है मेलों से रिलेटेड, इसमें मैंने आप लोगों को बताया होगा कि लक्की मेले भरते हैं। लक्की मेले से अभिप्राय है यहाँ पे लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु इस मेले या इस मंदिर के अंदर शिरकत करते हैं, तो इसलिए लाख की संख्या होने के कारण से इस मेले को लक्की मेले कहा जाता है, न कि लक्की मेले, लक्की। ये वाला लक्की मेला है, ये लक्की मेला, लक्की का मतलब लाख, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में ये जो मंदिर है शीतला माता का, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा क्वेश्चन, शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने। किसने किया था, जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने। अब माधो सिंह कौन से वंश से संबंधित थे, ये कब इनका जो शासन काल था, ये हम सारी बातें हैं हमारे हिस्ट्री के पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक हम इसी से जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे हम उनके ऊपर गौर करते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट शीतला माता मेले से, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध, बैलगाड़ी आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए बैलगाड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध मेला कौन सा है, तो शीतला माता का मेला है और यहाँ पे पशु मेला भी भरता है, यहाँ इंसानों मनुष्यों के साथ का साथ पशु मेला भी भरता है, जो भी काफी इम्पोर्टेंट है। और मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है, इनको मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। और हमारा लास्ट इनका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, उत्तर भारत के अंदर शीतला माता को महामाई के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, महामाई के रूप में, यह कहाँ पे, उत्तर भारत के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम भारत में शीतला माता को माई अनामा, माई अनामा किस नाम से जाना जाता है, माई अनामा। और राजस्थान के अंदर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के अंदर शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है, तो सेड, पहला है सेड, दूसरा शीतला और तीसरा है सेडल माता, किस नाम से जाना जाता है, सेड, शीतला और सेडल माता, तीन नाम से राजस्थान के अंदर शीतला माता को जाना जाता है। तो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में सेड, शीतला या सेडल माता, इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो हमारा राइट आंसर सेड, शीतला या सेडल माता से हो जाएगा। और इसके पीछे एक जो मान्यता है वो ये है कि शीतला माता जब चेचक की बीमारी फैलती है तो उसका ये समझा जाता है कि शीतला माता का रुष्ट होने के कारण जो प्रकोप हुआ है उसके कारण से चेचक की बीमारी फैलती है, तो ये एक मान्यता है काफी पुराने टाइम से। तो ये हो गया हमारा शीतला माता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट, जयपुर चाकसू तहसील सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को मेला भरता है। नेक्स्ट है हमारा निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया, बैलगाड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध मेला शीतला माता का मेला, यहाँ पशु मेला भी, और मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, शीतला माता को। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें से जो बनने वाला क्वेश्चन है, शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान के अंदर सेड, शीतला और सेडल माता। नेक्स्ट हमारा केला देवी का मेला, तो केला देवी का मेला मैंने आप लोगों को केला देवी के बारे में बताया था, आपको अगर याद हो तो, जब लांगुरिया नृत्य पढ़ाया था,
जब मैंने लांगुरिया नृत्य पढ़ाया था उस समय मैंने केला देवी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दी थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो, नहीं तो मैं इस स्लाइड में आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, करौली जिले के त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली जिले के त्रिकुट पर्वत की घाटी में। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली जिले के त्रिकुट पर्वत की घाटी के अंदर, त्रिकुट पर्वत की घाटी के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर इनका मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब मेला भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। आप लोग एक चीज को यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे कि जितने भी देवियों के जो मेले हैं वो ज्यादातर सप्तमी या अष्टमी को भरे जा रहे हैं। कब भरे जा रहे हैं? सप्तमी या अष्टमी को। तो ये चीज आप लोगों को माइंड में रख के चलना है, केला देवी का जो मंदिर है वो भी चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है मेला। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मंदिर में ये दो मूर्तियां हैं, ये मैंने उस समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर दो मूर्तियां लगी हुई है, केला देवी मंदिर के अंदर। पहली मूर्ति है केला देवी की जो दाहिनी तरफ लगी हुई है, और इनको वहां पे लक्ष्मी माता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? लक्ष्मी माता के रूप में। अगर आपको पूछ लिया जाए केला देवी मंदिर के अंदर दाहिनी मूर्ति केला देवी की, उसको किस रूप में पूजा जाता है? तो लक्ष्मी के रूप में। नेक्स्ट है बाईं तरफ की जो मूर्ति, वो है माँ चामुंडा देवी की मूर्ति। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केला देवी मंदिर के अंदर बाईं तरफ किसकी मूर्ति है? तो माँ चामुंडा देवी की। इसकी माँ चामुंडा देवी की। और इसके सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। किसका मंदिर है? बालाजी का मंदिर। और इसी मंदिर को वहां के देसी भाषा के अंदर या वहां के लोकल लोग लांगुरिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हनुमान जी के मंदिर को लांगुरिया। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। लांगुरिया किसे कहा जाता है? तो लांगुरिया केला देवी मंदिर के सामने बने हनुमान जी के मंदिर को लांगुरिया कहा जाता है, और यहीं से लांगुरिया नृत्य का उद्गम होता है। कहां से होता है? यहीं से लांगुरिया नृत्य का उद्गम होता है। तो ये था हमारा केला देवी मंदिर। अब केला देवी माता के पीछे की एक जो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है या एक जो पीछे की मान्यता है पुराने टाइम की, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब कंस, वासुदेव और देवकी के जब संतान हुई थी एक लड़की, तो उसको मारने के लिए जब कंस गए थे तो वो उनके हाथ से छूटकर आकाश के अंदर उड़ गई थी, और कालांतर के अंदर यही लड़की जब धरती के ऊपर अवतरित हुई तो वो माँ केला देवी के रूप में प्रकट हुई थी। ये इसके पीछे की एक मान्यता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि उसके आधार पर आप इसको याद रखने के अंदर आपको आसानी हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट में मेले आपको जो बचे हुए हैं वो मेले में इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, इसको स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि जो आज बचे हुए जितने भी मेले हैं मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवा के जाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट में करवा रहा हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे नेक्स्ट मेले हैं कपिल मुनि का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या मेला। मुस्लिम भाषा के अंदर या इस्लामिक भाषा के अंदर मेले को उर्स कहा जाता है। तो चलिए हम मेला, हमारा कपिल मुनि का मेला, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कपिल मुनि का मेला मैंने आप लोगों को बताया था, बीकानेर के अंदर कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? बीकानेर के कोलायत तहसील के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है हमारा इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन कौन थे? महर्षि कर्दन स्कंद पुराण के अनुसार वर्मा के पुत्र, और इनका जो विवाह है वो महर्षि मुनि की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था, मनु की पुत्री से। ये आप लोगों को समझ में आएगा। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन वर्मा के पुत्र थे। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि महर्षि कर्दन है वो वर्मा के पुत्र थे, और इन महर्षि कर्दन का जो विवाह है वो महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था। किससे हुआ था? महर्षि मनु की पुत्री से, और उन्हीं से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। किनसे हुआ था? इनके मनु की पुत्री से, महर्षि मनु की पुत्री से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। और यहाँ पे जो कपिल मुनि है ये हिमालय के अंदर अपनी धार्मिक आराधनाएं करते थे, और वहां पे अपना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी आराधनाएं या अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो एक बार ये भ्रमण करते हुए इधर आए और इन्होंने एक नकली स्थान देखा,
तो नकली स्थान देखा तो इन्होंने यहाँ पे ये इनको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने यहाँ पे रह के कुछ समय तक यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए। और जब इनका यहाँ से जाने का समय हुआ तो इनका एक जो रूह है वो यहाँ नकली स्थान के अंदर रह गई और बाकी जो इनकी आत्मा है या इनका जो शरीर है वो हिमालय चला गया। तो यहाँ पे ये नकली स्थान है ये धीरे धीरे रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित हो गया। नकली स्थान को क्या कहने लगे, धीरे धीरे रेगिस्तान ये है जो बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया था ये स्थान नकली स्थान। तो ये बहुत प्रसिद्ध होने के बाद में देवताओं द्वारा या और किसी के ईर्ष्यावश इस स्थान को रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था नकली स्थान को। और जब इसको रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित कर दिया गया तब शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने इस स्थान को फिर से खोजा था। किस स्थान को फिर से खोजा था, जो नकली स्थान था जिसको ईर्ष्यावश रेगिस्तान बना दिया गया था। और इसी रेगिस्तान में जो भूमिगत जो स्थान हो गया था नकली स्थान इसको वापस शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने इसको खोजा था। तथा इसको जो दुखी व्यक्ति है या जो कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की। और यहाँ पे बहुत ही कपिल मुनि का प्रसिद्ध एक झील है यहाँ पे जिसके अंदर स्नान करने से व्यक्ति के शारीरिक कष्ट या शारीरिक या मनोवृत्ति से संबंधित जितने भी कष्ट हैं ऐसी मान्यता है कि उसमें स्नान करने से दूर हो जाते हैं। तथा वर्तमान के अंदर ये जो मंदिर है कपिल मुनि का या ये जो स्थान है ये काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तथा अपने शरीर और मन का कष्ट को दूर करते हैं और यहाँ पे इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, तो ये कोलायत के अंदर, और कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। बाकी ये जो बीच का जो हिस्ट्री है इसमें से क्वेश्चन ने के बराबर पूछा जाता है आपको। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाए तो यही पूछा जाएगा कि कपिल मुनि किनके पुत्र थे, तो ये बर्मा के पुत्र थे, महर्षि कर्दन उनके ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे, कपिल मुनि ये महर्षि कर्दन के पुत्र थे। ज्यादा से ज्यादा पूछे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या इनका जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है और आप लोग कहीं गए भी होंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी मजार है, बहुत अच्छी दरगाह है ये। तो आप लोग जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो एक सूफी संत थे और ये 1192 ईस्वी के अंदर ईरान से भारत आए थे। कब आए थे, 1192 ईस्वी के अंदर ईरान से भारत आए थे। और ये 1192 की ईस्वी से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, 1192 के अंदर या 1192 के अंदर कौन सी घटना हुई थी या कौन सा युद्ध हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि आपकी जो प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज। और नेक्स्ट हमारा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इस तरह से जो 12 महीने होते हैं उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर के अंदर भी 12 महीने होते हैं। तो उन 12 महीनों में से जो रजब का महीना होता है रजब के महीने की पहली तारीख से लेके 6 तारीख तक इस जो उर्स है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है ये भरता है। कब भरता है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से 6 तारीख तक। कौन सी तारीख तक, पहली से 6 तक। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे, 1192 ईस्वी के अंदर कहाँ से आए थे, ईरान से। नेक्स्ट गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने के अंदर कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है, तो ये रजब महीने की पहली से 6 तारीख तक। नेक्स्ट हमारा ख्वाजा साहब की रू जिसे जिसमें से 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को परवाज हुई। इससे आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे आपके ये इसका क्या मतलब है। जो मुस्लिम दोस्त हैं मेरे वो तो समझ गए होंगे लेकिन जो बाकी कम्युनिटी के जो है उनको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये इस्लामिक या वर्ड है इसमें।
तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 99 वर्ष की आयु के थे, तब उनके मन के अंदर उनको एक अनुभूति हुई थी, या उनके मन के अंदर एक ख्याल आया था कि अब मेरा है जो महबूबे हकीकी, जैसे हमारे जो ईश्वर होते हैं उसी तरह से इनके जो ईश्वर है वो अपनी भाषा के अंदर महबूबे हकीकी कहते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मन के अंदर 99 वर्ष की आयु में ऐसा उनके मन में विचार आया, या उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का समय आ गया है, तो वो अपने हिजरे के अंदर चले गए थे। किसके अंदर चले गए थे? अपने जिसके अंदर वो निवास स्थान करते थे, निवास स्थान को हुजरा बोला जाता है, तो अपने हुजरे के अंदर चले गए थे। और जब हुजरे से वो बाहर नहीं आए 6 दिन तक, तो वहां पे जो उनका उनका जो सहयोगी थे या उनके जो साथ में रहने वाले थे, उन्होंने जो खादिम थे वो अंदर जाके जब उन्होंने देखा, तो उनको देखने से पता चला कि जो ख्वाजा साहब है उनकी जो रूह है वो रूह से जो उनकी आत्मा है या उनकी जो रूह है वो ऐसे ही है, धड़ पड़ी है, और उनकी जो आत्मा है वो वहां से परवाज हो गई या निकल गई है। तो इसी उपलक्ष्य के अंदर जो रजब का जो महीना है, इसकी 6 तारीख को ये उर्स का मेला भरा जाता है, जिस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो रूह है वो जिस्म से निकल गई थी, या रूह है जिस्म से परवाज हो गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने अपनी देह का त्याग कब किया था? 99 वर्ष की आयु के अंदर, रजब के महीने के अंदर 6 तारीख को। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, अकबर द्वारा यहाँ पे अकबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। जब यहाँ पे उर्स का मेला भरता है तब यहाँ पे कवालिया या सूफी भजन है, कीर्तन वो होता है यहाँ पे इस अकबरी मस्जिद का अंदर। कहाँ पे? अकबरी मस्जिद के अंदर, जिसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा इसका अंदर एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है, यहाँ पे एक बड़ी देग और छोटी देग, देख से आप समझते होंगे, ऐसा बर्तन जिसके अंदर खाना बनाया जाता है या खाना पकाया जाता है जब उसका मेला चलता है। तो ये जो बड़ी देग है ये अकबर द्वारा प्रदान की गई थी यहाँ पे, और छोटी देग है वो जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी, और इसी के अंदर यहाँ पे जो प्रसाद बनता है जो उसके मेले के अंदर और सभी के अंदर बांटा जाता है। तो ये थे हमारे कपिल मुनि का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट बचे मेले हैं वो मैं आपको इसके बाद में करवा रहा हूँ। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी नेक्स्ट हमारे मेले हैं गलियाकोट का मेला और बेणेश्वर मेला, जो हमारे इम्पोर्टेंट मेले हैं, उनकी श्रेणी के अंदर ये दो मेले हैं। तो पहला है गलियाकोट का उर्स का मेला, तो ये डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे के अंदर भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे के अंदर। और ये कौन से संत के उपलक्ष्य में भरता है? तो यहाँ पे संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है, और इसी मजार के ऊपर ये गलियाकोट उसका मेला भरता है। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए गलियाकोट का जो उर्स भरता है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आंसर है, इस मजार को क्या कहा जाता है? मजार ए फकरी किसकी मजार को कहा जाता है? तो संत सैयद फखरुद्दीन। नेक्स्ट है, ये मेला कब भरता है? तो मुहर्रम की 27वीं तारीख को ये मेला भरता है। नेक्स्ट है हमारा बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, बेणेश्वर मेले से आप याद करो कि माही, मैंने बताया था माही और दो नदियां और बताया था जिनका संगम के ऊपर इस मेले का या बेणेश्वर धाम स्थित है। और यहाँ पे ये मंदिर है जो शिव, यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है और शिव को समर्पित ये मंदिर है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अंदर चलिए हमारा ये एग्जाम में जो हमारे पॉइंट के इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट इसके, वो मैं आपको लोगों के यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेणेश्वर मेले को राजस्थान के अंदर राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। राजस्थान के अंदर आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। नेक्स्ट है इसका, ये माघ पूर्णिमा को भरता है, जिस दिन शिवरात्रि होती है इसी दिन माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। और ये डूंगरपुर के आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर के आसपुर तहसील के अंदर नवातपुरा नामक स्थान पर।
और यहाँ पर खंडित शिव की शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा। तो खंडित शिवलिंग के पीछे का इसका एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने के अंदर आसानी रहे। तो यहाँ पे कहा जाता है या पुरानी मान्यता है कि यहाँ पे एक ग्वाला है जो गाय चराया करता था और उसकी एक गाय है वो यहाँ पर आकर इस स्थान पर यहाँ पे एक जमीन के अंदर श्वेत निकला हुआ शिवलिंग था जिसका दुग्धा अभिषेक करती थी। तो एक दिन जब ग्वाले ने देख लिया तो वो पीछा करते करते यहाँ पे इस मंदिर तक आया या इस शिवलिंग तक आया। जब उसने देखा तो गाय है जो वहां से भागने की उसने चेष्टा की या भागने की कोशिश की, तो भागते समय गाय के जो खुर है उस खुर से इस शिवलिंग को लगा, वो खुर इस शिवलिंग को लगा या गाय का जो खुर है वो इस शिवलिंग के पड़ा और पड़ने से उपरांत ये जो शिवलिंग है वो 5 भागों के अंदर टूट गया। और यहाँ पे टूटने के बाद में इस शिवलिंग ये खंडित हो गया 5 भागों में और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि इस शिवलिंग के ऊपर अभी भी जो गाय का खुर पड़ा था उसका निशान अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पे शिवलिंग खंडित शिवलिंग की पूजा होती है ये मैंने बता दिया। और शिव को समर्पित यह मंदिर है और यहाँ पे लक्खी मेला का आयोजन होता है और ये काफी प्रसिद्ध मेला है राजस्थान के अंदर। और इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है तो इसकी प्रसिद्धि का आप अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेला है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे बहुत ही अच्छा मेला है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाएगा और ये बेणेश्वर धाम किसको समर्पित है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है और राजस्थान के अंदर आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है। तो ये 4 भाग जो क्वेश्चन है इसके इम्पोर्टेंट यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं राजस्थान के त्योहार उत्सव और मेले ये क्लास में आप लोगों को करवाने जा रहा था, ये सीरीज में आप लोगों के सामने लेके आया था। तो इसके अंदर मैंने त्योहार करवा दिए, एक दो जो उत्सव था इम्पोर्टेंट वो करवा दिए, मेले करवा दिए। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं आप लोगों के यहाँ नीचे भी मैंने लिख रखा है तो इनको भी मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे एग्जाम के अंदर आता है कि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है या कहाँ बढ़ता है तो कोटा के अंदर। सरस मेला किससे संबंधित है? तो सरस मेला हस्तशिल्प से संबंधित है सरस मेला। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आबानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आबानेरी उत्सव है जो दौसा के अंदर आयोजित किया जाता है। फिर थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर, गोडवाड़ मेला पाली के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ग्रीष्म एवं शरद समारोह माउंट आबू के अंदर, मेवाड़ समारोह उदयपुर के अंदर, मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर, मत्स्य उत्सव अलवर के अंदर। मत्स्य उत्सव अलवर के अंदर क्यों मनाया जाता है या यहाँ से मत्स्य उत्सव ही क्यों मनाया जाता है इसके पीछे की एक जो हिस्ट्री का हमारा जो पार्ट है वो मैं हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है हमारा चंद्रभागा मेला, ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है। तो हमारी मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को त्योहार उत्सव और मेले की सीरीज जो कंप्लीट करवा दी है और मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी करता हूं कि यहाँ से और मैंने जो पीछे एनालिसिस किया उसके आधार पर मैं आप लोगों को 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपका उत्सव त्योहार और मेले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। और भी अगर इससे अलावा भी अगर एक दो कोई भी आपका मेला उत्सव त्योहार अगर छूट गया है तो उसकी मैं PDF की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूंगा तो वहां से भी आप एक बार पढ़ लेना इसको। तो चलिए इसी के साथ मैं राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले की इस सीरीज को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हम जो भी सीरीज लेंगे उससे पहले मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपनी तैयारी है उसको सरोकार रखिए और आगे लेके जाइए।